अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज़ ए स्पेशली डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, यह स्पेशली बनाया गया एक ऐसा ग्लास है जो है तो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? डायफ्रेक्शन फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होती है। ठीक है, शीशे की स्लैब होती है विच कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस स्लिट्स। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है, देखो आपको कितनी ज़्यादा स्लिट्स इसके ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्लिट्स होती हैं, लेकिन वो इक्वली होती हैं, दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। ठीक है, और पैरेलल स्लिट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद देखो विच सेपरेटेड बाय एन ओपेक पोर्शन, और इन दोनों के दरमियान, दो स्लिट्स के दरमियान क्या होता है? ओपेक पोर्शन होते हैं। ओपेक पोर्शन जो लाइट को ट्रैवल ना होने दे। ठीक है, जो लाइट रेस को ट्रैवल ना होने दे। ठीक है, द नंबर ऑफ स्लिट्स ऑन द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। डिपेंड करता है स्लिट्स की तादाद के कितनी, जो आप इंसिडेंट लाइट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, जैसे कि आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले तो अच्छा जरा सा ना हम इस डायग्राम को यहाँ पर देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमसे क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास जो है ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये पूरी की पूरी ओपेक है, यानी कि इससे लाइट ट्रैवल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्लिट्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट स्लिट्स आपको दी हुई हैं। ये जो है इन स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये इक्वल डिस्टेंस होता है तमाम स्लिट्स के दरमियान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहली स्लिट को ए बोल दिया, दूसरी स्लिट को बी बोल दिया, यहाँ पर हम लोगों ने पाथ डिफरेंस क्रिएट किया, इसको पॉइंट क्यू बोल दिया, यहाँ पर कोई ना कोई थीटा है। ठीक है, ये रे जा रही है सी, ये रे जा रही है क्यू, पड़ रही है इस मिरर के ऊपर, फिर यहाँ से स्क्रीन के ऊपर सारी मर्ज हो रही है। खैर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया, स्लिट ए स्लिट बी, और ये क्यू नहीं, ये सी लिया गया पॉइंट। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस का लिया गया, ये एंगल बन रहा है, और ये इन दोनों के दरमियान का जो विड्थ है वो डी लिया गया। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि जो स्लिट्स की अमाउंट है वो डिपेंड करेगी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ हमसे क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि विजिबल वेवलेंथ की, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स 4000 टू 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स बाय विजिबल लाइट। ठीक है भाई, हम लोगों को ये पता है कि डायफ्रेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हमें वेवलेंथ, हमें अपने स्लिट के, अपने स्लिट के साइज़ को किससे कंपेयर करना होगा? वेवलेंथ से कंपेयर करना होगा। ठीक है, वेवलेंथ डिपेंड करती है कि आप नहीं, और जो है आपकी कितनी स्लिट्स है वो डिपेंड करता है कि कितनी आपकी लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप विजिबल लाइट ले रहे हो तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है, तो उसको कितनी चाहिए होती है? उसको एक सेंटीमीटर के मुताबिक, अगर आप एक सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब लेते हो तो एक सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब के ऊपर 4000 से 600 लाइंस चाहिए होती हैं ताकि आप डायफ्रेक्शन इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, अ टिपिकल स्लिट विड्थ इज गिवन, और एक जो विड्थ की, एक जो स्लिट की विड्थ होती है वो कितनी होती है आपके पास? डी जो है ऑब्वियसली इसकी विड्थ है, वो कितनी होती है आपके पास? 1/5000 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर इसे हम d को हम नॉर्मली y हो गया, d हो गया, x हो गया, जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं इनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं नैनोमीटर में। ठीक है, अगर हम इसे नैनोमीटर में, d को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मली जो हमारे पास, सॉरी, x वगैरह तो हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, d को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट इसके न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 × 6 से आ जाएगा 2000 नैनोमीटर, क्योंकि नैनो का मतलब होता है 9। ठीक है, तो यहाँ तक के हमारे पास ये बात हमें समझ में आ गई। आगे हमसे कहते हैं द पैरामीटर डी इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ये जो डी है आपके पास, ये ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। दिस एग्जांपल शोज दैट इफ द साइज ऑफ स्लिट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट देन द डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट कुड बी ऑब्जर्व। ठीक है, अब हमें पता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेवलेंथ होगी आपकी आने वाली लाइट की वो क्या होनी चाहिए? वो ज़्यादा होनी चाहिए स्लिट के साइज से। ठीक है, या आप दूसरे अल्फाज में कह लो कि स्लिट का साइज अगर छोटा होगा वेवलेंथ से तो आपको डायफ्रेक्शन देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकली द ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? डी। ठीक है, याद रखना, प्रैक्टिकली द ग्रेटिंग विच कंटेन्स टू लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग अ डायमंड पॉइंट। ठीक है, आप ऐसी ग्रेटिंग भी बना सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा स्लिट्स हैं। ठीक है, और ये आप किस तरह से बनाओगे? बाय यूजिंग डायमंड पॉइंट कटर। ठीक है, आप कटर इस्तेमाल कर रहे हो डायमंड पॉइंट, यानी कि डायमंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ईजिली किसी भी चीज़ को कट कर देता है। ठीक है, तो डायमंड पॉइंट कटर आप इस्तेमाल करोगे टू स्क्रैच इक्वली स्पेस्ड ग्रूव्स, ताकि आप गढ़े बना सको, यानी कि होल्स बना सको जो इक्वली इस स्पेस पर एक दूसरे से, यानी कि स्लिट्स बना सको ग्लास के ऊपर या मेटल सरफेस के ऊपर। ठीक है, द ओपेक पेस्ट इज यूज टू डिप द स्लिट इन टू इट। ठीक है, फिर ओपेक पेस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आप अपनी स्लैब को उसके अंदर डिप कर सको। देन इट इज एच्ड फ्रॉम द सरफेस एंड द पेस्ट रिमेन्स इन साइड द ग्रूव्स। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर आप उसे सरफेस से जो है निकाल दोगे। सबसे पहले आपने क्या किया? देखो, आपने डायमंड पॉइंट कटर इस्तेमाल किया। ठीक है, इक्वली डिस्टेंसेस पर आपने डिफरेंट स्लिट्स बनाई, डिफरेंट स्लिट्स आपने बनाई ताकि उनका डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, और बिल्कुल जो है इक्वल साइज की हो वगैरह वगैरह। ठीक है, जब आपकी स्लिट्स बन गई, फिर आपने क्या किया? एक ओपेक पेस्ट
पेस्ट इस्तेमाल किया, एक पेस्ट इस्तेमाल किया, उस पेस्ट में आपने अपनी स्लैब को जो है डिप किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उस पेस्ट को जो है स्लैब की सरफेस से रिमूव कर दिया, लेकिन जो पेस्ट होगा वो जो आपकी स्लिट्स थी, जो आपके ग्रूव्स थे, जो आपके गड़े थे, उनमें रह जाएगा। दस द लाइन्स आर ओपेक लाइन्स, ठीक है, तो जो आपके पास लाइन्स बनेंगे वो ओपेक लाइन्स बनेंगे, एंड द ट्रांसपेरेंट पोर्शन बिटवीन दैम एक्सेस नंबर ऑफ स्लिट्स, और उनके दरमियान जो आपको ट्रांसपेरेंट पोर्शंस मिलेंगे, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट पोर्शंस उनके दरमियान रह जाएंगे वो होंगे आपके पास स्लिट्स, क्योंकि बाकी को आपने क्या बना दिया है, बाकी को आपने जो है ओपेक पेस्ट में डिप करके ओपेक बना दिया, बाकी की पूरी स्लैब आपकी ओपेक है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर एग्जैक्ट सुराख हैं वही आपकी ट्रांसपेरेंट स्लिट्स होंगी, क्योंकि वहीं से लाइट जो है वो पास होगी, बाकी पूरा का पूरा जो स्लैब है उसे आपने ओपेक कर दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कंसिडर पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, अब एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिससे आ रही है पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है, विच आर इंसिडेंट ऑन ए ग्रेटिंग, ठीक है, जो ग्रेटिंग के ऊपर पड़ रही है, जिस ग्रेटिंग में आपने डिफरेंट स्लिट्स कंसिडर किए हैं, ठीक है, ग्रेटिंग के ऊपर आपने डिफरेंट स्लिट्स क्रिएट किए हैं, दीज रेज इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है, अब ये रेज क्या करेंगी, वेव फ्रंट्स की सूरत में आर पास थ्रू स्लिट्स, वो स्लिट से पास हो जाएंगी, सच दैट ईच स्लिट कॉजेज डायफ्रेक्शन, हर स्लिट से डायफ्रेक्शन बनेगी, एंड द डायफ्रेक्टेड रेज इन टर्न इंटरफेयर विद वन अनदर, और फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगी, ठीक है, फिर उससे जो है डिफरेंट वेवलेट्स आपको मिलेंगी, ठीक है, फिर वो सुपर इम्पोज होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये सारी क्या करेंगी, आपस में इंटरफेयर करेंगी, अब ये जो डायफ्रेक्टेड रेज हैं, सबसे पहले होगी डायफ्रेक्शन, एक स्लिट से होगी डायफ्रेक्शन, अब ये जो आपके पास डायफ्रेक्टेड रेज हैं ये आपस में इंटरफेयर करेंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक पैटर्न, खास पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे, दिस डायफ्रेक्शन पैटर्न इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, फिर वो डायफ्रेक्शन पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे अपनी स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, लेट अस टेक टू रेज आर वन एंड आर टू, ठीक है, अब दो रेज आ रही हैं आपके पास, दो स्लिट्स हम लोगों ने कंसिडर किए ना लास्ट पेज पर डायग्राम में, ठीक है, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये दो स्लिट्स हम लोगों ने कंसिडर की थी, यहाँ पर हम लोगों ने पाथ डिफरेंस बनाया था सी, ये एंगल बन गया था हमारे पास, ठीक है, सब कुछ हम लोग लास्ट पेज पर डायग्राम को मैंने पहले ही दिखा दिया था ताकि बार बार उस पेज पर मूव ना करना पड़े, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लिट ए से रे आ रही है आर वन, ठीक है, स्लिट बी से जा रही है आर टू, ठीक है, सच दैट ए सी इज अ पाथ डिफरेंस, ठीक है, और ए से लेकर सी तक के जो है आपने पाथ डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, बिटवीन दैम, ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी वाला हम लोगों ने ट्राइंगल अपना कंसिडर कर लिया, इस ट्राइंगल में अगेन जो आपके पास साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से आपने क्रिएट किया है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री आपने बनाया है, तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गई बेस, अगेन ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर, ये सामने वाले हो गए आपके पास हाइपोटेनस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके पास हो गया ए सी, ठीक है, और आपके पास हाइपोटेनस क्या हो गया ए बी, ठीक है, तो इस तरह से आप लास्ट पेज पर जाकर इस डायग्राम से टैली भी कर सकते हो, ये चीज़ को इस चैप्टर में आप 10वीं दफ़ा रिपीट हो चुकी है, और मैंने पहले ही इस टॉपिक के स्टार्टिंग में इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ए सी क्या है आपके पास, पाथ डिफरेंस ऑब्वियसली, और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, डी साइन थीटा के इक्वल होता है, लास्ट लेक्चर में डायफ्रेक्शन वाले ही लेक्चर में हम इस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, अब अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती है, यानी कि अगर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एम लैम्डा होता है, ठीक है, ये चीज़ भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा से देखना, हम लोगों ने कहा कि पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है और पाथ डिफरेंस एम लैम्डा है, कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और एम की वैल्यूज अगेन हमारे पास वही हैं, ठीक है, दिस इज द बेसिक रिलेशन ऑफ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, या डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का बेसिक रिलेशनशिप है, यहाँ पर जो एम है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है या इमेज है, ठीक है, ऑर्डर क्या तरतीब है, कौन सा नंबर ऑफ फ्रिंज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द डायफ्रेक्टेड रेस आर फोकस्ड एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, थीटा अगर आपके पास जीरो हो जाता है तो एम भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, ठीक है, ये कहलाएगा, अच्छा ये जो हम लोग सारा जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं ये आप जाकर लास्ट लेक्चर में देखोगे तो हमें सब कुछ मैक्सिमा के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास जो एम है वो क्या है वो जीरो है, इसी तरीके से अगर आप एम को वन पुट करोगे, टू पुट करोगे या कुछ भी पुट करोगे तो फिर आपके पास आपको क्या मिलेंगे, आपको ब्राइट इमेजेस मिलेंगी, ठीक है, तो चलो, और ये फॉर्मूला भी वैसे भी बेसिकली ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ही होता है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर भी बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम इस फॉर्मूले को निकाल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 9.4, अल्लाह हाफिज़।